बुलंदशहर में महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए जनपद के एसएसपी ने कई थानों में महिलाओं को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया। सबसे खूबसूरत मिसाल थाना अनूप शहर की है, जहां एक 6 साल की बच्ची को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले कई दिनों में बुलंदशहर के कई थाना क्षेत्रों में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आए हैं। थाना अनूप शहर और जहांगीराबाद में दो दुष्कर्म पीड़ित युवतियों की मौत के बाद एसएसपी संतोष कुमार सिंह सख्ती के मूड में हैं। एसएसपी के आदेश पर आज एक दिन के लिए कई थानों की कमान स्कूली छात्राओं को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बुलंदशहर के थानों में छात्राओं को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया, तो पुलिसकर्मियों ने भी अपने नन्हे थाना अध्यक्ष को सीना तानकर सैल्यूट किया। छात्राओं ने पुलिस कार्य प्रणाली को नजदीकी से परखा। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन के लिए छात्राओं को थाना अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि उनके मन में अभी से पुलिस के प्रति भय को दूर किया जा सके। संवाददाता अमित राणा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है तथा प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्य के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज छोटे बच्चे और बच्चियों को जनपद के कई थाना क्षेत्रों में एक दिवस के थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बाल मन में पुलिस के प्रति जो भय का भाव एक पैदा किया जाता है समाज में बचपन से, उसे दूर किया जाए। बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली और कार्यदशा के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए तथा उन्हें एक जागरूक नागरिक और भविष्य के एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए जो पुलिस के माध्यम से सहयोग हो सकता है उसके प्रति जागृत करने के भाव से कार्यक्रम चलाया गया है। जनपद के कई थानों में हमने कुछ जगह बच्चियों को और कुछ स्थानों पर छोटे बच्चों को एक दिन का थाना प्रभारी तैनात किया है।